नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, सीएससी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया से जुड़े सभी वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और फ्री होते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि SBI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में पैसे दूसरे अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। देखिए, गूगल पे आपको टाइप करना है www.onlinesbi.com। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन SBI लिखा हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन है लिखा, यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पे, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड और लॉगिन पे क्लिक कर दे। क्लिक करते ही आपका इस प्रकार का खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए माय अकाउंट है शुरू में। उसके बाद देखिए दूसरा टैब में यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र, तो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये पेज खुलेगा। इसमें देखिए देखिए आपको क्विक ट्रांसफ़र लिखा हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर किसी के अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसा भेजना है जल्दी में, तुरंत में, तो आपको क्विक ट्रांसफ़र पर आप क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा। देखिए यहाँ पर अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट, सारा डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर देखिए नेम, बेनिफिशरी नेम होता है जो आपका पासबुक में जो नाम है वो नाम है। यहाँ पर जिस कस्टमर का अकाउंट पैसा भेज रहे हैं उस कस्टमर का पासबुक में जो नाम है उसको आप यहाँ पर भरें बेनिफिशरी नेम में। अब बेनिफिशरी अकाउंट नंबर में उसका पासबुक में जो अकाउंट नंबर डाला हुआ वो अकाउंट नंबर यहाँ डालें। उसके बाद देखिए आपको SBI विटेन SBI मतलब SBI से SBI ट्रांसफ़र करना है या SBI से अदर बैंक ट्रांसफ़र करना है। तो आपको अदर बैंक है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ इंटर बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, जैसे ऊपर हम नाम डाल दिए, अकाउंट नंबर डाल दिया, यहाँ पर इंटर बैंक ट्रांसफ़र क्लिक कर दिए, तो यहाँ पर नीचे आएगा IFSC डिटेल। यहाँ पर IFSC डिटेल्स, IFSC कोड डालने के लिए, देखिए यहाँ पर IFSC कोड डालने के लिए आएगा। उसको IFSC कोड डाल देंगे, उसके बाद सिलेक्ट ट्रांसफ़र मोड, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट टाइप पे, तो यहाँ पर IMPS और NEFT दो ऑप्शन हैं जिसमें आपको तुरंत के लिए IMPS को चुनना होगा ताकि आपका ट्रांसफ़र तुरंत हो जाए। IMPS यहाँ पर क्लिक कर दें। देखिए IMPS क्लिक कर दें। उसके बाद अमाउंट नीचे पर देखिए, अमाउंट आपको कितना आपको उस अकाउंट भेजना है, यहाँ पर 100 रुपये लिख दिए, जितना भेजना है आपको उतना लिख दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रपोज में देखिए सिलेक्ट प्रपोज, यहाँ पर कोई भी एक चीज़ चुनना है, आधार या पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस या गिफ्ट टू रिलेटिव फ्रेंड्स, या आप किसी को एक को चुन लें। चलिए यहाँ पर हमने चुन लिया गिफ्ट टू रिलेटिव फ्रेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई एक्सेप्ट, यहाँ पर आपको एक क्लिक कर देना है। अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना पैसा, तो क्लिक करके
सबमिट पे आप दबा दें। सबमिट करते ही देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा वेरीफाई डिटेल एंड कन्फर्म डिस ट्रांजेक्शन। आपको एक बार वेरीफाई करने बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट, सारा चीज़ सही है। अगर सही है तो आपको कन्फर्म बटन पर दबाना है। कन्फर्म करते ही यहाँ पर हाई इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, आपका मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा जो आपके अकाउंट से रजिस्टर है उस मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के कॉन्फर्म पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप SBI का इंटरनेट बैंकिंग से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में पैसा। अगर आपने SBI का इंटरनेट बैंकिंग नहीं लिया है तो आप इसे जल्दी से ले लें और अपने घर से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने पहली बार अगर लॉगिन कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए हैं कि फर्स्ट बार आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन कैसे करते हैं, तो वहाँ से आप वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसी तरह के नए नए आपको वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें ताकि जितने भी नए नए जानकारी रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।